भाजपा ग्रामीण मंडल चौराई के अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी के संयोजन में आयोजित जनसंवाद यात्रा दूसरे दिन भी विभिन्न ग्रामों तक पहुंची। मंगलवार को यह यात्रा समसवाड़ा, सर्रा, घोड़ावाड़ी साथ ही में सुरजना और सलकनी बिलंदा पहुंची। इस दौरान प्रत्येक ग्राम में लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही कन्याओं का पूजन, पीएम आवास के हितग्राहियों का पौधा देकर सम्मान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान और वरिष्ठ ग्रामीणों का सम्मान भी किया गया। यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यात्रा संयोजक शैलेंद्र रघुवंशी ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना और साथ ही में जन सेवा ही हर भाजपा कार्यकर्ता का कर्तव्य है। इसी पवित्र भाव के साथ में हम सब भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस यात्रा का शुभारम्भ सोमवार को सिवनी के पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह की विशेष उपस्थिति में कपूरदा में हुआ और 25 जनवरी तक यह यात्रा चौराई क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों तक पहुंचेगी। दूसरे दिन भी यात्रा में यात्रा प्रभारी दीपक किशोर तिवारी, रेखन पटेल, बिस्सू पटेल, जिला पंचायत सदस्य लखन वर्मा, श्याम सिंह ठाकुर, मनमोहन शर्मा, साथ ही में रामदास पटेल और प्रदीप शर्मा, साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज पूरा प्रदेश में हमार आराध्य गो निषाद राज जी की जयंती मनात हन और आज रामघाट सिवनी में तहसील निषाद समाज बालोद के द्वारा हर साल जैसे मन आयोजन करते, आज 2 साल लगभग कोरोना के कारण हम नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन ये साल देखा था ओकर ले कहीं ज़्यादा दुगुना उत्साह हमारे समाज के हर व्यक्ति हर वर्ग में है। और देखें कि आज जिन भीड़ ऐतिहासिक भीड़ रही वो जिला के आयोजन से कहीं बढ़ के रही, तो हम अपन आराध्य ला आज ये जयंती के माध्यम से याद करथन और समाज मन एक जगह सकला के समाज के विचार, समाज के रीति नीति के बात करथन और समाज के प्रतिभा ला एक मंच के माध्यम से सम्मान करे के बड़ा अवसर मिलते और अतका बड़े मंच में हम अपन समाज के प्रतिभा ला सम्मान करते तो निश्चित ही ये हमारे समाज के जत का होनहार है उमल एक बढ़े के कारण और समाज में जोड़े के हमन एक नवा उदीम और नवाचार करे। कि आज से 5 साल पहले की बात करें जब आदरणीय भाई कुंवर सिंह निषाद जी जब अध्यक्ष नहीं बने थे तब स्थितियां अलग थी, कहा जाए कि हम कोई कार्यक्रम में विधायक महोदय या अन्य गेस्ट को बुलाते थे तो हमें कई बार सोचना पड़ता था, नसीब नहीं होता था। और आज हमारे समाज के लिए, बालोद जिला निषाद समाज के लिए एक गर्व का विषय है, गौरव की बात है कि हम एक साथ जांग पे जांग जोड़ के बैठते हैं और चूंकि विधायक क्या हम तो मुख्यमंत्री बुलाते हैं जो एक मिनट में हमारे मंच में आने को तैयार रहते हैं, ये हमारे निषाद समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चूंकि पहले ऐसा था कि चाहे छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमें लाइन लगनी पड़ती थी और आज ऐसा नहीं है, हमारे समाज के जो मुखिया है भाई कुंवर सिंह निषाद जी जब से विधायक बने हैं तब तो लोग हमारे पास लाइन लगाते हैं, तो ये निषाद समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।